बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तैयारी शुरू कर चुकी हैं। नीतीश कुमार की पिछले 15 साल की सरकार को फिर इस बार इलेक्टोरल टेस्ट में जाना होगा और अगले 5 साल की जो किस्मत होगी उनकी, वो इस बार फिर से एक बार जनता उसको डिसाइड करेगी। पिछले 15 साल में जब भी बिहार में इलेक्शन की बात होती है, बिहार एक कास्ट बेस्ड सोसाइटी है। एक बड़ी मशहूर कहावत है यहाँ पे कि यहाँ लोग वोट और अपने बच्चों की शादी बिना कास्ट देखे नहीं करते हैं। उस कास्ट सोसाइटी में, कास्ट बेस्ड सोसाइटी में एक नए तरह की पॉलिटिक्स, एक नया एक्सपेरिमेंट इस बार किया जा रहा है। और हम बात कर रहे हैं पुष्पम प्रिया चौधरी की, जिन्होंने अपनी एक पार्टी फ्लोट की है जिसका नाम प्लूरल्स है। इलेक्शन कमीशन में ये नाम तो रजिस्टर हो गया है, सिंबल अभी नहीं मिला है पुष्पम प्रिया को। भी पुष्पम हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनकी स्ट्रेटजी रहेगी। पुष्पम की पार्टी के जब आप सोशल मीडिया को खंगालेंगे प्लेटफॉर्म्स पे, तो लगता है कि किसी एक नए राजनीति की शुरुआत का एटलीस्ट एक वहाँ पे फोकस तो दिखता है। ये बात करती हैं इंडस्ट्रियल कोलैप्स की, ये बात करती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स की। पुष्पम हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले पुष्पम, आप अपने बारे में कुछ बताएं, क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड से आप आती हैं और क्यों आपको लगा कि ये राइट टाइम है बिहार की पॉलिटिक्स में इंटरवेंशन का? मैंने लंदन से पढ़ाई की है, आई थिंक ये तो पता है लोगों को। और मैंने वहाँ पे सबसे पहले इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेसेक्स में, वहाँ से मैंने डेवलपमेंट स्टडीज़ की पढ़ाई की। उसमें जो मेरे सब्जेक्ट्स थे वो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स था, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट था, डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट था, सस्टेनेबल लाइवलीहुड था, ये सारे सब्जेक्ट्स मैंने वहाँ पे पढ़े। और जो मैंने शोध किया था, जो डिसर्टेशन जो मैंने लिखा था, वो बिहार की ही पॉलिटिक्स पे लिखा था। 2015 में जो इलेक्शंस हुए थे बिहार में, खासकर उसको एनालाइज किया था कि पार्टी और वोटर किस तरीके से लिंकेज स्थापित करते हैं, मतलब वोटिंग पैटर्न्स क्या हैं, क्यों लोग वोट करते हैं। तो इस पे जितने भी शोध आज तक किए गए हैं बिहार में, उनको पढ़ा, बहुत ही गहन तरीके से उनको पढ़ा, और एक प्राइमरी रिसर्च भी किया जिसमें कि जो आप अभी जो बात कह रहे थे, जो कास्ट बेस्ड जो बातें आप कह रहे थे, उसमें अलग अलग लोगों से जाके बात की। एक बहुत ही अच्छा खासा सैम्पल साइज था, लोगों से बात की, जो नेता हैं, जो नकली नेता जो मिलते हैं लोगों से, उनसे भी बातें की। तो इसी पे शोध किया और फिर उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में MPA किया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा। उसमें भी कमोबेश यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़े और कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स पढ़े, जैसे रूरल डेवलपमेंट पढ़ा और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पढ़ा। तो ये सारी चीज़ें पढ़ी, ये सारा रिसर्च संबंधित था, मतलब जो बिहार मेरा ज्योग्राफिकल एरिया था। तो मैंने कंपैरेटिवली एनालाइज किया कि हमारी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं और जो बाकी सारी, बहुत सारी पॉलिसीज़ हमारी कॉपी पेस्ट हैं, मतलब बाहर से कहीं से उसको पेस्ट किया गया है, तो वो वहाँ पे कैसे हुई, उसका क्या प्रो हुआ, क्या कौन हुआ, जो भी उन पर एनालिसिस है, RCTs हैं, उनको पढ़ा, यहाँ पे क्या चल रहा है उसको पढ़ा। तो बिहार से लंदन, लंदन से फिर बिहार, क्यों लगा कि ये वक्त है जब आपको पॉलिटिकली इंटरवीन करना चाहिए स्टेट की पॉलिटिक्स में? ये बात हमेशा दिमाग में रह जाती है कि आप बिहार के हैं, वो जाती नहीं है। ये जो फैक्चुअल चीज़ें हैं वो यही हैं कि आप भूलते नहीं हैं, स्पेशली जब आप किसी डिवेलप्ड रीजन में चले जाते हैं, तो वो एक चीज़ हमेशा आपको याद आती रहती है कि हम इतना पिछड़े क्यों हैं। जब आप वहाँ की व्यवस्था देखते हैं तो आपको और ध्यान में आती है कि हम इतना पिछड़े क्यों हैं। और इस एक्सपीरियंस के अलावा, बिहार में ही मैं बड़ी हुई थी तो उसका भी एक्सपीरियंस था कि कैसी चीज़ें थी वहाँ पे। और जब पॉलिसीज़ के बारे में जो पढ़ा और जो शोध किया और जो शोध है वो पढ़ा, उस सबसे ये निष्कर्ष निकालने की कोशिश की कि ये हालत क्यों है। और जाहिर सी बात है कि वो सब हालत का जो एक इशारा था, एक प्रजातंत्र में अगर प्रजा की हालत बहुत ही ख़राब हो तो उसका जिसकी तरफ इशारा था वही उसका कारण था। उसके साथ साथ जो यहाँ पे वोटिंग पैटर्न पे जो मैंने डिसर्टेशन पढ़ा था, उसमें भी बहुत सारी बाकी चीज़ें भी पता चली। तो इस वजह से भी लगा
कि जाना तो है ही वापस, और इस चीज़ को ध्यान में रख के ही मैंने वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लिए जो बिहार को निर्माण करने में आगे मेरी मदद करता, जैसे रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। तो ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे ये ध्यान में रख के ही किया। एजुकेशन पॉलिसी एंड रिफॉर्म पढ़ा, वो भी ध्यान में रख के पढ़ा। हेल्थ एजुकेशन में क्या होना चाहिए, वो भी ध्यान में रख के पढ़ा। कि यहाँ आना है, इसी साल आना इस वजह से भी ज़रूरी था। सबसे पहले तो जब मैं शोध करती थी और यहाँ आई थी उसके दौरान, तो मुझे लोग कहते थे कि विकल्प नहीं है, क्या करें। और जाहिर सी बात थी कि कोई विकल्प नहीं था, तो किसी और का इंतज़ार करने की जगह पे मैंने ये सोचा कि वो विकल्प बन के वहाँ चला जाए। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में निर्णय लिया कि वहाँ बैठ के पॉलिसी बनाने से शायद बेहतर होगा कि मैं बिहार की पॉलिसी बनाऊँ। आप अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, लोग जानना चाहते हैं, चूँकि आपका आप एक पॉलिटिकल एक उस फैमिली से आती हैं जिसका एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उससे आपको क्या कुछ सीखा है आपने? एक तो आपने जो स्टडी की, आपका रिसर्च है, आपका डिसर्टेशन है, सब कुछ के बाद जो इनहेरिटेंट होता है, कुछ चीज़ इनहेरिट करता है आदमी फैमिली से, उससे क्या कुछ सीखा, उसके बारे में आप बताइए। ये जो प्रश्न मुझसे पूछा जाता है, ये इस पर कुछ कहूँगी, ये मुझे बहुत ही अनप्रोफेशनल लगता है। उसका भी मैं आपको कारण बताती हूँ। ये मेरे पिताजी की पार्टी नहीं है, ये पार्टी, इसमें पिताजी का कोई योगदान नहीं। यू नो, इट्स अ पार्टी विच वॉज फॉर्म्ड बाई मी, और सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो कि जिन्होंने, एक ग्रुप ऑफ पीपल है। हमारी पार्टी भी वैसे ही बनी है जैसे कि संविधान ने बाकी पार्टियों को बनाने के लिए नियम बनाया, तो 100 लोगों से भी अधिक लोगों ने मिलके, और हमने वो मीटिंग की थी जिसमें सारे मुद्दे हमने डिस्कस किए थे, क्यों करना है उस पर वो मीटिंग की थी, और तब जाके ये पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। तो ये बिल्कुल वैसा लगता है जैसा अभी मैं आपसे पूछूं अगर कि आपके पिताजी क्या करते हैं, और नहीं, थोड़ा अनप्रोफेशनल साउंड करता है। हाँ, उन्होंने भी पॉलिटिक्स किया है, लेकिन क्योंकि इस पार्टी से उनका रिलेशन सिर्फ इतना ही है कि वो पार्टी के प्रेसिडेंट के पिताजी हैं, इसलिए मुझे थोड़ा अनप्रोफेशनल लगता है। जहाँ तक सीखने की बात है, तो देखी हैं चीज़ें बचपन से, अलग अलग दौर आया है। मैंने जो बचपन से आज तक पॉलिटिक्स देखी, पॉलिटिक्स में वही सारी चीज़ें हुई हैं जो आपने भी देखी होंगी। अलग अलग दौर आया है, अलग अलग दौर में अलग अलग मांगें आई हैं लोगों की तरफ से, कभी कभी उन मांगों के लिए विकल्प आए, चीज़ें हुई, वो सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सीखा नहीं है इस वजह से भी, क्योंकि नीति निर्धारण करने के लिए आई थिंक ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो ज़्यादा मैंने, अब ऐसा समझिए कि अपने ही एजुकेशनल बैकग्राउंड से सीखा है। ये सवाल सिर्फ आप नहीं पूछते, ये सभी पूछते हैं। जब मैं लोगों को कहती हूँ, वहाँ भी जब मैं लोगों को कहा करती थी कि माय फादर इज़ इन दैट पार्टी, तो वो मुझसे पूछते थे कि आप तो फिर अपने फादर के बिल्कुल अगेंस्ट ही खड़े हो रहे हैं। तो मैं उनको कहती थी, हाँ, मिथिला का इलाका है ये। किसी ज़माने में जब मैं रिसर्च कर रहा था, ये इंडिको की खेती के लिए, नील की खेती के लिए बड़ा फर्टाइल लैंड हुआ करती थी। बाद में एक रिसर्च हुआ और कुछ फॉरेनर रिसर्चर्स थे, उन्होंने रिसर्च किया और इसको पाया कि ये शुगर केन के लिए बड़ी फर्टाइल लैंड है। तो लोगों ने अपने कैश क्रॉप को शिफ्ट किया, इंडिगो को रिप्लेस किया शुगर केन से, और ये बहुत सारी शुगर मिल्स बनी उस ज़माने में। लेकिन आज मैं कुछ शकरी मिल, यहाँ पे आने से पहले मैं शकरी से होता हुआ आया हूँ, वो एक हॉन्टेड हाउस लग रहा है। रैयाम के शुगर मिल में गया, वहाँ पे एक लोहे का टुकड़ा मुझे नहीं देखने को मिला। उसी तरह से डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं बिहार में। बिहार हैड नेवर डर्थ ऑफ एनी इंडस्ट्री। यहाँ पे पेपर मिल ही हुआ करती थी, शुगर मिल्स का एक चेन था, जूट मिल्स हुआ करती थी, और भी डिफरेंट इंडस्ट्री थी, बहुत सारी PSUs थी, भारत वेगन थी जो मुजफ्फरपुर में बंद हो गई, मोकामा में था उसका यूनिट, उसी का एक यूनिट मुजफ्फरपुर के बेला में था जो LPG का सिलेंडर बनाया करता था, बहुत सारी फार्मा PSUs हुआ करती, सब बंद हो गई। ये पिछले 15 साल में कुछ बंद हुई हैं या वो उससे पहले बंद हो गई, उनके रिवाइवल पे कोई काम नहीं हुआ। हालांकि दो दो गवर्नमेंट आई, एक गवर्नमेंट तो सेंटर में है जिसने बड़ी बड़ी बातें की थी, उनका भी सेकेंड टर्म चल रहा है, उन्हीं के अलाई स्टेट में हैं। आप कैसे देखती हैं, क्या कमेंट होगा आप
का, जब आपने जो कुछ भी देखा अब तक सारी इंडस्ट्रीज़ के कोलैप्स पे, आप कैसे ऑब्जर्व करती हैं? जो भी आज यहाँ पे हालात हैं उसका सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इनके पास कोई विज़न नहीं, इनके पास कोई विज़न नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, और एक चीज़ मैं बार बार कहती हूँ, इनकी नीयत भी नहीं है चीज़ों को बदलने की। आपने बिल्कुल सही कही, सारे इंडस्ट्रीज, सारे मिल्स बंद हो गए हैं, और मैंने बहुत सारे जाके दिखाए भी हैं लोगों को, पिछले 30 साल में ही बंद हुए हैं सब। वो जो मिल्स हैं, बहुत सारे में लोहे नहीं हैं, चोरी हो गए बहुत जगह पे, बहुत जगह लोहे हैं। वो जो मशीनरीज हैं, इतनी महंगी मशीनरीज हैं जो हमारे ही टैक्स के पैसे से कभी लगी होंगी, उनको बंद कर दिया गया, और कोई बहुत ही ठोस वजह नहीं है बंद करने की। गवर्नमेंट ये कहती है सिक इंडस्ट्री थी, लॉस मेकिंग बिजनेस था। ये गवर्नमेंट के पास हर चीज़ का एक एक्सक्यूज है, यू नो, यू गो टू देम, वो कुछ ना कुछ आपको कह देंगे। अभी हाल फिलहाल में ये भी कह दिया कि इंडस्ट्रीज यहाँ पे लग ही नहीं सकती। ये तो सुन के मुझे बहुत ही हंसी आई और बहुत ही दुख भी हुआ, और मेरे मन से वो भी आई कि आपसे तो नहीं लग सकती, तो खाली कर दीजिए, अब जिनसे लग सकती है वो लगाएंगे। ये सारी चीज़ें आप ऐसे सोचिए कि जिन्होंने 30 साल में जिन्होंने इन चीज़ों को बंद कर दिया, सिख इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? बाकी हमारे इंडिया में, हमारे पूरे देश में बाकी किसी जगह सिख इंडस्ट्रीज़ नहीं है, यहीं सिख इंडस्ट्रीज़ थी। यू नो, इट इज़ इलॉजिकल टू बी ऑनेस्ट। इसका कोई साइंटिफिक वो इसके तथ्य नहीं है जिसपे कि ये बातें आधारित है। कैश क्रॉप्स था, आप लोगों से जाके पूछिए। यू नो, नेताज, नकली नेताज आर द रॉन्ग पीपल ये पूछने के लिए कि आपने क्यों बंद कर दिया। जो राइट पीपल हैं वो वहाँ के लोग हैं जो उसमें काम किया करते थे, आप उनसे पूछिए, वो आपको बोलेंगे अचानक से बंद हो गया, कुछ साठ गांठ हो गई, बंद हो गया, बहुत ही कम पैसे में ज़मीन भी बेच दिया, पूरा ऑक्शन कर दिया, एंड ऑल ऑफ दैट। सो उनसे पूछने की ज़रूरत है। चलते हुए मिलों को भी बंद कर दिया। अभी तो हाल फिलहाल में हम समस्तीपुर भी गए थे, वहाँ पे तो बिल्कुल चलता हुआ मिल था, और उन्होंने कहा कि हर चुनाव के वक्त में एक हफ्ते के लिए चालू कराते हैं, जो अभी फिर हुआ है, फिर से चालू। एग्जैक्टली। और मुझे पता चला कि उन्होंने फिर से चालू कराया, तो इट वॉज रियली फनी एंड वेरी वेरी अनोइंग कि ये हर बार यही करते हैं। दे डू नॉट हैव अ विजन। और सिर्फ बात इंडस्ट्रीज़ की नहीं है, डेवलपमेंट होलिस्टिक होता है, हर चीज़ को साथ। जैसे अभी हम यहाँ अपने मिथिला की चर्चा की, ये जो एरिया है स्पेसिफिकली, इसको सबसे पिछड़ा एरिया है पूरे विश्व का, सबसे पिछड़ा एरिया है, कोसी को शोक का नाम दे दिया है। उसको ठीक करने के लिए आपने क्या किया? आपने अंग्रेज़ों के वक्त में जो नहरें थीं उसके बाद क्या हमारे यहाँ आज तक कोई नहरें भी बनी हैं? नहीं बनी है, राइट? आप नॉर्थ बिहार में जाइए तो वहाँ पे ये बाढ़ का प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है। साउथ बिहार में जाएंगे तो वहाँ पे सूखे का प्रॉब्लम, इरिगेशन का एक ह्यूज इशू। तो इस दोनों को इंटीग्रेट क्यों नहीं किया? तो ये सारी चीज़ें हैं वो एक सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के यहाँ पे की जाती हैं, उनका सही मायने में कोई अर्थ नहीं है। हर चीज़ यहाँ पे मजाक बन गई है। न्याय शब्द सोचिए, जिसपे कि पता नहीं किताबें हो गई, आंदोलन हो गए, फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी हो गया, इतना कुछ हो गया, लिबर्टी, न्याय, फ्रीडम, वो सब यहाँ पे जुमले के तौर पे यूज़ होता है, न्याय के साथ विकास। तो बात सिर्फ इतनी है कि विजन नहीं है, कोई भी प्लानिंग नहीं है, और कोई भी नीयत नहीं है। भी आप जिक्र कर रही थी मुक्तापुर जूट मिल का, जो 2017 से बंद था, अभी उसको एक हफ्ते पहले उसमें सायरन बजाया गया है, और इतने सेलिब्रेशन के साथ एज इफ कि एक नई इंडस्ट्री सेटअप की जा रही हो, हालांकि वो बहुत पुरानी इंडस्ट्री है। और ये जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो मैं जब वहाँ पे गया तो लोगों ने कहा था कि प्रिंस राज आए थे, उन्होंने भी इसी तरह से वो करवाया था, एक सायरन बजा था, लोगों के अंदर उम्मीद जगी थी कि ये इंडस्ट्री फिर खुलेगी, लेकिन वो कुछ हुआ नहीं। अभी महेंद्र हजारी जो जिनके पास एडिशनल चार्ज है वो उन्होंने अनाउंसमेंट किया था, उसको रीस्टार्ट की बात वो कर रहे हैं, आगे देखना होगा कि क्या होता है। तो आप मुझे बताइए कि आपके लिए इन सारी इंडस्ट्रीज़ को रिवैम्प करने का क्या प्लान है, कैसे करेंगी आप? सबसे पहले तो जितने भी जगह हैं हम इंडस्ट्रीज़ आइडेंटिफाई करेंगे, कि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मिंट उगाते हैं, जहाँ पे लेमन ग्रास उगाते हैं, गन्ना तो आपको पता ही है, बहुत लोगों ने गन्ना उपजाना भी बंद कर दिया है। तो ऐसे जगह आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि वहाँ पे कौन सी चीज़ है जो उगाई जाती है।
और उस चीज़ पे आधारित पहले तो इंडस्ट्रीज़ खोलेंगे, दूसरा जो एक बहुत बड़ा सेक्टर है वो है टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल एक ऐसा सेक्टर है जो कि बहुत ही लेबर इंटेंसिव है, उसमें बहुत लोगों को काम मिलता है। सबसे तो आश्चर्य की बात यह है कि आप जो बाहर के राज्य हैं, जहाँ जैसे गुजरात फॉर एग्ज़ाम्पल, गुजरात में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें सारे लेबर बिहार के होते हैं, सारे लेबर जो हैं वो बिहार के होते हैं। एक ही चीज़ है हमारे पास एक इंडस्ट्री लगाने के लिए जितनी भी चीज़ें चाहिए, उसमें एक है जो यान नहीं है, लेबर हमारे पास है तो वहाँ से उसको लाके और यहाँ के लेबरों को क्यों यहीं पे क्यों नहीं काम दिया जाए, राइट? तो ये सारी चीज़ें करेंगे। टेक्सटाइल का बहुत ही बड़ा हम लोग उसको अपना वो रखे हुए हैं, लाइक इट्स इन द सेंटर न्यूक्लियस ऑफ इंडस्ट्रीज़, वो लगाएंगे। स्टार्टअप करने के लिए लोगों को हेल्प करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे, द गवर्नमेंट शुड वर्क एज अ कैटलिस्ट, वो काम करेंगे। और कोई भी ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहाँ पे की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। अभी तक ही हमने जितनी पॉसिबिलिटीज़ लोगों को दिखाने की कोशिश की है, एक तरीके से सोची तो उसका कोई मतलब नहीं था। चुनाव तो यहाँ पैसे जीतते हैं ना, एक दूसरे को गाली दीजिए और चुनाव जीत जाइए, लेकिन वो एक जो उम्मीद है वो मैं जगाना चाहती हूँ लोगों में कि हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, इसी जगह को अगर आप विकसित करते हैं जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, राइट? टूरिज्म सेंटर्स जो होते हैं वो अपने आप में एक इकोनॉमिक इकोसिस्टम होते हैं। बहुत से ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं जो कि सिर्फ टूरिज्म आधारित ही हैं, उसी पे चला करते हैं। तो जनरेट करना एम्प्लॉयमेंट वो प्लानिंग से होता है, कॉमन सेंस से नहीं होता, उसके पीछे एक रिग्रेस प्लानिंग होती है। पूरे बिहार को हमें डेवलपमेंट जोन्स में बांटना है, एक मैनिफेस्टो है पूरा, वो जल्दी ही रिलीज़ करेंगे, बट थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी। बिहार अलग अलग रीजन्स हैं, अलग अलग रीजन्स की अपनी कुछ खास समस्याएं भी हैं और बाकी सारी सेम समस्याएं हैं जो हर जगह हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है, जो एजुकेशन हेल्थ संबंधित है। तो वो तो जो 45 विभाग हैं, अगर उन्होंने कायदे से अपना काम कर लिया जैसे करनी चाहिए तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी जो मैं बार बार कहती हूँ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसमें ये है कि पूरे बिहार को हम उन समस्याओं के आधार पर, उन विविधताओं के आधार पर और एक जो एक चीज़ है जो कि उन रीजन्स को कंबाइन करती है, उसके आधार पे 8 डेवलपमेंट जोन्स में बांटेंगे। उस हर डेवलपमेंट जोन में एक ग्रेट सिटी का निर्माण करेंगे जो कि एक तरीके से देखिए तो एक ग्रोथ सेंटर होगा और हर तरफ की अपनी एक ख़ास चीज़ है खूबसूरती के साथ साथ। तो उन चीज़ों को वैसे ही फैसिलिटेट करेंगे जैसे बाकी सारी जगह होता है। ये शायद ये इतनी बड़ी बात आज के दिन में लगती है, आपको पता होगा, लॉट ऑफ पीपल डिसक्रेडिटेड, वो कहते हैं कि ये सपना दिखाने की कोशिश कर रही हैं। सपना नहीं है, ये सारी हकीकत है जो दुनिया में हो रही है। मैं ये तो नहीं कह रही कि हम किसी नए प्लैनेट पे चलते हैं, ये हकीकत है जो आप ही के देश में हमारे बगल के राज्यों में भी हो रही है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी और मैं ये आपको फिर से ये बताऊँगी बहुत स्पष्ट रूप से, मेरा सिर्फ एक एजेंडा है। आई एम नॉट हियर क्लूलेस, मैं क्लूलेस नहीं आई हूँ यहाँ पर, मेरा सिर्फ एक एजेंडा है, आई हैव टू डू दिस, इसको करना है। और ये भी बताऊंगी कि मैं अकेले नहीं हूँ। जो प्लूरल्स नाम की जो ये पार्टी है जिसके बारे में हम अभी चर्चा करते हैं, उसमें बहुत से बिहारी हैं जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया है, अपने फैमिलीज़ को छोड़ दिया है और मेरे साथ हैं। और हम सब ये कोशिश कर रहे हैं मिलके कि नहीं, इस बार हमें खुद करना है, क्योंकि सभी जो भी काम करते हैं दे कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द इकोनॉमी इन अ वे, तो अपने स्टेट को बनाना है। मैं 4 सेक्टर की बात करूं, एक इंडस्ट्रीज है, हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, ये 3 बड़े सेक्टर्स हैं जिनमें बहुत कुछ किया जाना है, जिसके लिए 5 इयर्स 10 इयर्स भी बहुत कम पड़ जाएगा। क्या रोड मैप है जहां पे ये सेक्टर्स खड़े हुए हैं? अब प्रॉब्लम ये होती है कि एक पत्रकार सवाल पूछ लेते हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार से कि पटना यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग के इतने बुरे हालात क्यों हैं, उसको कभी ठीक क्यों नहीं किया गया? तो उसका जवाब आता है कि हमारे प्राइमरी स्कूल्स को देखिए, हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो किस प्राइमरी स्कूल और किस रोल मॉडल की वो बात करते हैं मुझे तो नहीं समझ में आया। फिर वो ये भी कह देते हैं कि जो माइग्रेशन है यहाँ पे 2 वक्त की रोटी की कमी नहीं है, लोग लैविश लाइफ के लिए बाहर जाते हैं। ये तो क्या बिल्कुल मजाक है ना, हमारे साथ तो ये बिल्कुल ही मजाक है। पता नहीं, आई थिंक नकली नेताओं को ऐसा लगता है कि कुछ भी कह दो चल जाएगा काम।
जो तीन सेक्टर्स की आपने बात की और आपने ये भी कहा कि 5 साल क्या 10 साल नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेंगे 5-10 साल, उसका भी मैं आपको बताती हूँ क्या रोड मैप जिसकी आप बात कर रहे हैं। हमारा जो ये पूरा इंस्टीट्यूशन है जो बना के हमें दिया गया है, संविधान ने जो हमें दिया गया है, वो बहुत नीचे के स्तर तक है। सिर्फ एक ही कोई व्यक्ति नहीं है जिसे काम करना होता है, वो जो पूरा गवर्नमेंट की जो एक कैपेसिटी है, स्टेट कैपेसिटी है, उसको बढ़ाएंगे अगर तो बहुत बड़ा तंत्र है, अभी भी बहुत बड़ा तंत्र है जो कि काम करता है। एक ब्यूरोक्रेसी वाला साइड होता है जो एग्जीक्यूटिव साइड है और एक पॉलिटिकल साइड होता है, दोनों मिलके काम करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि अलग अलग डेवलपमेंट जोन्स बनाएंगे हर जगह, क्या ऐसा तो नहीं है कि जो भी राज्य हैं, सॉरी जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं या जो भी पंचायत हैं या जो भी ब्लॉक हैं, उनमें ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस की व्यवस्था तो है। वो इंस्टीट्यूशंस भले ही प्लेस पे नहीं है लेकिन इंस्टीट्यूशन की व्यवस्था तो है, उसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है, उसको ठीक से ऑपरेबल, अभी सब कुछ इनऑपरेबल है जो 30 साल की वजह से हुआ है, उसको ऑपरेबल करने की ज़रूरत है। एक वक्त में एक काम तो करने की ज़रूरत नहीं होती, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट जो 38 जिले हैं उस हर ज़िले में एक साथ वो चीज़ें बनाई जाएंगी। और अब तो ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई है, प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग्स होती हैं, कि बच्चों का एक दिन भी बर्बाद नहीं हो। सरकारों का ये कर्तव्य होता है, आप बैठा के नहीं, यहाँ पे सारे सेशंस लेट चलते हैं। आप मगध यूनिवर्सिटी चले जाइए, दरभंगा जो LNMU है वहाँ चले जाइए, सारे सेशंस लेट होते हैं। बच्चों का टाइम पे ख़त्म होना, उनकी पढ़ाई लिखाई, इन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। ये सारी चीज़ें वक्त पे कराएंगे, ये बिल्कुल भी गलत बात है, तथ्य आधारित बात नहीं है कि 10 साल क्या बहुत वक्त लग जाएगा, नहीं लगेगा। इंस्टीट्यूशंस प्लेस पे जैसे ही करेंगे, उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन का मैं बहुत ही कहते हैं ना एग्रेसिव रिफॉर्म करूँगी, काम करना पड़ेगा। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ड्रिवन सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। आप लोगों के पास आएंगे तब तो लोग आपको बताएंगे कि हमें क्या मिल रहा है और नहीं मिल रहा है। अगर आपका ड्रिवन सिस्टम इन प्लेस होगा तो आप उन लोगों पे जो इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं और अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, उन पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। पुष्पम, एक 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 और चीज़ आप मुझे बताइए कि इसमें जो बिहार के इलेक्टोरेट्स हैं, आपको नहीं लगता कि वो भी इस पूरे जो डिस्ट्रक्शन के में एक कंट्रीब्यूटर वो भी हैं? चूँकि आज तक जो उनका वोटिंग पैटर्न रहा है वो हमेशा सोशल इंजीनियरिंग से इन्फ्लुएंस्ड रहा है। जब वो वोटिंग बूथ पे होते हैं तो फिर वो देखते हैं कि ये ब्राह्मण और राजपूत और भूमिहार, और या फिर नहीं तो वाइट डिवाइड की तरफ, ये हिंदू ये मुसलमान। तो फिर जब आप उस तरफ देखेंगे तो फिर आप इस तरफ, यू डोंट डिज़र्व टू आस्क योर गवर्नमेंट टू वर्क फॉर योर डेवलपमेंट। ये जो पूरी धारणा है ना, वो बहुत ही अनफेयर है। बिल्कुल, मैं आपको दिल से ये बात बताती हूँ और बहुत ही तथ्यों पर आधारित बात बताती हूँ। हमारी एक पॉलिटिकल हिस्ट्री है और एक सोशल हिस्ट्री, राइट? 30 साल से पहले एक ऐसा वक्त आया था जब बहुत ही ज़्यादा फैक्शंस बने थे हमारे देश में, इंडियन पॉलिटिक्स में बहुत ही ज़बरदस्त सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हुआ, कॉन्सेंट्रेशन हुआ था पावर का शीर्ष पे। ये हमारी वो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी। और हमारी एक सोशल हिस्ट्री भी रही है हमारे देश की, एक वो ऑप्रेशन और डोमिनेशन की हमारी एक हिस्ट्री रही है। और वो जो डिमांड थी सोशल जस्टिस की, जो डिमांड थी, वो 30 साल पहले आई थी लोगों की तरफ से, क्योंकि उन्हें लगा था, मैं ये अक्सर कहती हूँ कि सोशल इंजीनियरिंग हुआ क्यों, उसकी डिमांड आई क्यों, उस पर बात करने की ज़रूरत है। सिर्फ क्या होता है वो बात करना बहुत ही लॉजिकल नहीं है, वो जो हुआ वो हुआ क्यों, यू नो व्हाई डिड दैट हैपन, उसका कॉज क्या था, उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि उस वक्त विकास का स्तर सोशो इकोनॉमिकली बहुत सारे समाज का बहुत नीचे था। तो उन्होंने ये डिमांड किया कि नहीं, क्योंकि बाकी लोगों से शायद हमारा विकास नहीं हुआ, इसीलिए हमें वो सोशल जस्टिस चाहिए ताकि वो सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन जो है उसको ख़त्म किया जा सके। तो उसका जो कारण था वो ये था, अगर बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से कहूँ तो ये था कि विकास चाहिए था, सोशल विकास भी और आर्थिक विकास भी। उसके लिए 15 साल उन्होंने चुना लोगों को और वो फेल हो गया, क्योंकि जिन लोगों को उन्होंने उसके बेसिस पे चुन के वहाँ पे बैठाया था, उन लोगों ने सिर्फ अपने परिवारों को आगे कर लिया,
या अपने जो नेटवर्क है, मैंने आपको कहा ना, मैंने वोटिंग पैटर्न पे थीसिस शोध ही किया है कि कैसे वोट होता है। जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, नीचे और ऊपर में कनेक्ट नहीं है, तो बीच में पावर के ब्रोकर्स हैं, पावर के आप ऐसे कि दबंग लोग हैं, जो हिंदी में बहुत क्रूड शब्द होगा तो जो पावर के दलाल होते हैं जो कहा जाता है, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन ऐसे लोग हैं। और उनका काम होता है कि आपको हेड काउंट करना है और आपको वोट लेके आने हैं। तो वो एक सिस्टम था, उस इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की वजह से ही हमारे देश में पेट्रोनेज वाला सिस्टम आया, क्लाइंट वाला सिस्टम आया कि हम आपको ये देंगे आप हमें ये दो। लेकिन वो हुआ नहीं, वो सोशल जस्टिस हुआ नहीं। और पहली बार जनता ने ये चीज़ 15 साल पहले ऑलरेडी प्रूफ कर दी थी कि नहीं, हम सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग के वजह से वोट नहीं कर रहे थे, हमें उसके पीछे जो अंडरलाइंग रीज़न था वो विकास था। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री हैं वो माननीय मुख्यमंत्री नहीं रहते अगर ये बात सच नहीं होती कि उन्हें उसके साथ विकास भी चाहिए था। क्योंकि जिस डायनामिक्स की आप बात कर रहे हैं या हम बात किया करते हैं उसमें तो वो विफल है। आप जो एक्सपेरिमेंट बिहार में कर रहे हैं, इस तरह का एक नया एक्सपेरिमेंट, हालांकि उसका जो मीन्स उसका जो प्लैंक था वो थोड़ा डिफरेंट था, वो एंटी करप्शन प्लैंक पे एक गवर्नमेंट बनी थी दिल्ली में जो रिपीट हुई फिर लास्ट असेंबली इलेक्शन में। लेकिन जब हम उसकी भी पॉलिटिक्स को देखते हैं तो मोर और लेस बहुत कुछ डिफरेंस नहीं रह गया एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से अब के। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि वो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट हो अगर आप आ गई पावर में तो? सबसे पहली बात तो इसमें ये है कि ये हमें तुलना करना यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है क्योंकि ये बिल्कुल साइंटिफिक बात नहीं है कि तथ्य आधारित नहीं है कि हम दो बिल्कुल ही विपरीत लोगों की तुलना करें। ऐसा नहीं है कि मैं कह रही हूँ कि वो गलत हैं या मैं आई एम श्योर कि वो भी नहीं चाहेंगे कि मुझसे उनकी तुलना की जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी का अपना एक बैकग्राउंड था, अपनी एक हिस्ट्री थी, वो एक एक्सपेरिमेंट से ज़्यादा एक आप ऐसे कह सकते हैं, पॉजिटिव कहिए नेगेटिव कहिए जो भी कहिए, एक एक्सटर्नैलिटी थी। एक बहुत बड़ा एंटी करप्शन एक रिवोल्यूशन हुआ था जिसकी वो एक्सटर्नैलिटी थी कि उसमें से एक पार्टी निकल के आई। सो वो एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो एक पार्ट निकल के आया था। और हमें कुछ भी समानताएँ हैं नहीं जितना यू नो पीपल कंपेयर विद ड्यू रिस्पेक्ट यू नो उनको अपना अपने जगह ने इतनी बार बार चुना है एंड आई रियली रिस्पेक्ट दैट कि लोगों ने उनको ये मैंडेट बार बार दिया है, काम अच्छा कर रहे होंगे लेकिन फिर भी हम इट्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। वो इकोनॉमिक्स में हम ये कहते हैं कि ऑरेंजेस को हमेशा ऑरेंजेस से कंपेयर करना चाहिए, अदरवाइज वो कंपेरिजन कभी भी सही नहीं होता है। तो उनकी एक अपनी जर्नी थी, अपना एक अलग संघर्ष था। प्लूरल्स जो है वो बिहार की एक अपनी जर्नी है, अपना एक संघर्ष है जो हमारे हिस्ट्री से प्रभावित है। तो सिमिलैरिटीज़ नहीं है। इंश्योर करने की जहाँ तक बात है, उसी की वजह से फ़िलहाल जो मैंने पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया है पार्टी का, वो बहुत ही ज़्यादा इंस्टीट्यूशन बेस्ड स्ट्रक्चर है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, ताकि वो जो आप कह रहे हैं ना ग्रिवन सिस्टम, फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताऊंगी यहाँ पे। कल की बात है, हम सहरसा में एक जगह गए थे गाँव में, वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं थी, उनसे बातें हुई काफ़ी। जब मैं वहाँ से निकलने लगी तो उन्होंने कहा कि अपने चमचे को मत भेजिएगा, खुद आइएगा। दिस इज़ द लैंग्वेज दैट दे यूज्ड। तो एक ग्रिवन सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए जिसमें कि लोगों के पास बहुत ही इजी एक्सेस हो। वो जो मैं आपको कह रही थी ना, पावर ब्रोकर्स नहीं होने चाहिए, जिसको कि वो महिला जो थी उन्होंने चमचा कहा, वो पावर ब्रोकर्स हैं, वो नहीं होने चाहिए। वो ग्रिवन सिस्टम जब इन प्लेस रहेगा, जब काम करेगा, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और हाँ, फिर भी क्योंकि सोसाइटी है, बड़ी है, हेट्रोजेनिटीज़ है, अलग अलग तरह के लोग हैं, उसी बिहार से आए हुए लोग हैं, तो ऐसी अगर छोटी कोई भी चीज़ होगी उसमें ज़रूरत ये है कि आप एक्शन कैसे लेते हैं, आप रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो बाकी तो ये वक्त के साथ पता चलेगा कि हम किस तरह की, ये भी हो सकता है कि हम ऐसी पार्टी बने जैसा कि देश में आज तक शायद स्वतंत्रता के बाद कोई पार्टी नहीं बनी, तो वो सोच के भी आगे बढ़ा जा सकता है। पार्टी का स्ट्रक्चर थोड़ा सा वो है, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। एक है जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जो कि जनरली जैसे पार्टीज़ की होती है वैसे हैं, बट बूथ स्तर तक हमारी रीच है। बूथ पे हमने 8 लोगों को अपॉइंट किया है, जो 8 पहर के नाम से हमने उसे दिया। उसके ऊपर जो हैं वो पंचायत प्रभारी हैं, उनके ऊपर ब्लॉक प्रभारी हैं, उनके ऊपर जिला प्रभारी हैं, और एक अलग बिल्कुल एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर भी बना है, ताकि वो जो ग्रीवेंस सिस्टम है, वो ग्रीवेंस सिस्टम इलेक्शन के बाद भी वर्क करे।
तो उसमें एग्जीक्यूटिव्स हैं जो अलग अलग डोमेन के लोग हैं, जिसमें पब्लिक इश्यूज़ हैं, लोगों की क्या इश्यूज़ हैं, लोगों से किस तरीके से लियाजन करें, उनकी बातें, थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर है, लेकिन एक ऐसा स्ट्रक्चर बना है जो वर्क कर सके। एक दिन पहले लोगों से पूछा था कि पुष्पम प्रिया से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप मुझे बताएं, तो एक बड़ी तादाद थी, उन्होंने मुझे कहा कि आपसे मैं ये पूछूं कि आपका स्टैंड रिजर्वेशन पे क्या है। ये रिजर्वेशन को हर बार चुनावी मुद्दा बना दिया जाता है, और बाकी सारे जो बड़े मुद्दे हैं, ऐसा मैं नहीं कह रही कि रिजर्वेशन बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया सोशल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए रिजर्वेशन बनाया गया था। एक ऐसा वक्त था जबकि जो हमारी हिस्ट्री थी उसमें ऑपरेशन और डोमिनेशन का, जैसा मैंने आपको बोला, एक रिलेशनशिप था, उसकी वजह से संविधान के, हमारे देश के कुछ सबसे प्रबुद्ध दिमागों ने बैठ के एक बहुत लंबा डिस्कशन करके और तब संविधान में इसका प्रावधान किया था। तो उसका अपना रीज़न था, उस पर स्टैंड का क्या मतलब है तो वो मुझे पता, संविधान में है, रिप्रेजेंटेशन को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, वो सोशो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जिसके लिए वो चीज़ बनाया गया था वो इन प्लेस होनी चाहिए बिल्कुल, और मैं बिल्कुल उस चीज़ से सहमत हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी, एक बहुत बड़ा मुद्दा जो रह जाता है वो ये है कि बाकी के जो 99% जो जनसंख्या हैं, जिनको जो कि आपकी जो आप एक तरीके से कहते अनएम्प्लॉयड जो जनसंख्या है, वक्त ये आ गया है कि हम उन विषयों पे चर्चा करें, हम इस विषय पे चर्चा करें कि जो लोग सरकारी नौकरी नहीं पा सकते उनके लिए क्या प्रावधान है, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी धर्म से आए, और जो लोग टर्शरी एजुकेशन में आपका रिजर्वेशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में मतलब यूनिवर्सिटीज़ में आपका रिजर्वेशन है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जितनी झोपड़ियाँ हम आसपास देख रहे हैं, इनके जो बच्चे हैं ये स्कूल से आगे पढ़ ही नहीं पाते। इज अ ह्यूज स्कूल ड्रॉप आउट प्रॉब्लम हियर, जो स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट है, उसकी चर्चा करें। जो हमारा 50% जनसंख्या है जो इन्हीं घरों में रहता है और माल नरिश्ड है, माल नरिशमेंट इज़ अ ह्यूज प्रॉब्लम, उसकी चर्चा करें। फाइनली एक तरफ मनी पावर मसल पावर और एक तरफ एकदम से नई सोच, एक वो सोच जिसमें एक उम्मीद की किरण दिखती है, कैसे इन दोनों के बीच फाइट होगी? संसाधन एक कॉन्स्टेंट है, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि हमारे पास उतना मनी पावर भी नहीं है और मसल पावर तो नहीं है बिल्कुल जैसा कि बाकी लोगों के पास है। तो सबसे अभी हमारे जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो संसाधन ही है। हमने क्राउड फंडिंग भी शुरू कर दिया है, वो एक ऐड थी ना जिसकी बड़ी चर्चा होती है, वो एक सोची समझी हमारी एक स्ट्रैटेजी थी जो हमें इट वॉज़ अ नेसेसिटी, जो करने की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स हैं और उन नेटवर्क्स को भेदना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो वो जो ऐड था वो नेसेसिटी थी ताकि मैं इन इन हाशियों पे जो खड़े लोग हैं उन तक पहुंच सकूं, नहीं तो आज तक मेरी चर्चा नहीं होती। ये बहुत खुल के तो नहीं बट थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है उसके लिए, और बाकी जो भी साधन जो भी चल रहा है अभी तक, मेरे जो भी खास जो मेरे मित्र हैं उन लोगों ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी है, बिहार के सभी बिहार के ही हैं, सारी जमा पूंजी लगा दी है, अब बहुत ज़्यादा तो कुछ भी बचा नहीं है, तो हमने क्राउड फंडिंग शुरू की है, उसके थ्रू लोगों से बिहार के हों या बाहर के हों जो चाहते हैं कि बिहार कुछ भी करे, बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव। 17 घंटे में सड़क पे होती हूँ, एक गाड़ी में होती हूँ, मेरे साथ सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों में होते हैं, और है कॉन्स्टेंट हेडक्वार्टर को ही सस्टेन कर ले तो एक बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन नीयत बहुत स्ट्रांग है हमारी और करेंगे। अब वो ऐसा अंत में हो जाए कि सभाएं ज़मीन पे भी अगर बैठ के करनी पड़ी तो करेंगे। तो ये थी पुष्पम प्रिया चौधरी, इन्होंने बड़े बेबाकी से अपना रोड मैप सामने रखा, एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत करने का दावा किया। अब इसमें क्या कुछ कर पाती हैं ये सब कुछ डिपेंड करेगा इनके इलेक्टोरल सक्सेस पे। Thank you.